इसको गांव का पटेला बोलते हैं। ये पटेला ना मिट्टी के ढेलों को पटेलने का काम आता है। और ये मस्त यहाँ पर भाई इसको खींच रहा है, देख सकते हो ये। ओए कैसा लग रहा है? पूरा पूरा का पूरा गाइस भीमताल। और ये रही भीमताल की पूरी लेके। हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रैक पे, क्योंकि गाइस मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था यहाँ पे जाने का, बट टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जा नहीं पा रहे थे। तो फटाफट से तैयार होते हैं एंड मिलते हैं आपको। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल ट्रैक पे। आज मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, तो आज एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे जाने वाला हूँ भीमताल की, और इससे पहले मैं वहाँ पर कभी गया भी नहीं हूँ। तो गाइस आज के ट्रिप में आ रही है हमारी खुशबू, ताईजी और भैया और ताऊजी। तो हम 5 लोगों का ट्रैक है आज, और ट्रैक थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ट्रैक में ना देख सकते हो ऐसी चढ़ाई है। भाई वहाँ पहुँच गया है, ताऊजी लोग पीछे आ रहे हैं और ताईजी सबसे लास्ट में आ रही है और मैं बीच में हूँ। और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं, और अभी देख सकते हो भीमताल में उजाला हो चुका है अभी, और धूप आ रही है और मस्त यहाँ पर लेक दिखाई दे रही है आपको। गाइस अभी हम लोग आ पहुँचे हैं एक छोटे से गांव पे, पता नहीं इस गांव का नाम क्या है। और इस गांव का नाम क्या है पता है आपको? नहीं तो इस गांव का नाम गाइस हमें पता नहीं है, और पता नहीं क्या है, और दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो मस्त एकदम घाटी में बसा हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ का छोटा सा 360 व्यू। और अभी हम लोग भीमताल लेक नीचे नीचे ना वहाँ से आ गए हैं यहाँ पे, और जाना है हमें वो देख रहे हो वो है लास्ट पर्वत, वहाँ जाना है जहाँ बॉर्डर दिख रहा है। तो दूर काफ़ी है यार, और सुबह से हम लोग चले रहे हैं और धूप लग चुकी है, अब चलने का मन भी नहीं कर रहा। और यहाँ के फ्लावर दिखाऊँ आपको, क्या मस्त मस्त फ्लावर दिखे यहाँ पे। तो अभी हमें रास्ते में मिला मस्त पानी, देख सकते हो क्या मस्त पानी है यहाँ पर। हम लोग थोड़ा सा पानी नहीं पीते, थोड़ा पानी भरते थे अपने लिए। मेरा नाम खुशबू सिवाल, और देखिए आज हम बड़े लंबे टूर में जा रहे हैं करकोटक की ओर। तो देखिए गाइस अभी हम आधे रास्ते तक ही आए हैं, और ये सामने से हमारे दद्दा लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये देखिए रास्ता देखिए बिल्कुल एकदम खटारा हो रखा है, और ये देखिए ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब देखते रहिए मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है बिल्कुल एकदम। तो आप भी आइए, और ये देखिए 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 बिल्कुल एकदम एकदम क्या बताएं, ऐसा हो रखा है बिल्कुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थक के मारे ऐसा हाल हो गया है। अभी तो बहुत जाने हैं और दूर। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो भीमताल के एक नंबर व्यू, मतलब भीमताल क्या मस्त चमक रहा है। और ये देखो गाइस क्या मस्त भीमताल, और सामने आइलैंड दिखाई दे रहा, छोटा छोटा सा टापू जैसे, कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर जाके ना इससे भी बेहतरीन व्यू दिखने वाला है, और ताऊजी लोग भी सब नीचे से आ रहे हैं वन बाय वन करके, धीरे धीरे करके। अरे यार थकाई लगी यार, ताऊजी लोग बैग में ले जाओ, हमारे ताऊजी काफी थक चुके हैं यार, तो ताऊजी की थोड़ी हेल्प करें। अबे चल जल्दी आप लोग को एक सीक्रेट की बात बताऊं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं करकोटक नाथ देवता के मंदिर पे, और यहाँ से भजन वन भी सुनाई दे रहे हैं, और सामने उन पेड़ों के बीच में है, तो बस फ्यू सेकंड्स एंड उसके बाद हम लोग मंदिर में। तो फाइनली काफ़ी लंबे ट्रैक के बाद अभी हम लोग पहुंच ही चुके हैं करकोटक नाग देवता के मंदिर पे, और ये देख सकते हैं आप करकोटक नाग देवता जी का मंदिर यहाँ पे है। और इतनी हाइट पे गाइस यहाँ पे गांव बसा है यार, पूरा का पूरा भयंकर, कितना अल्टीमेट है। आप लोग यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, क्या मस्त यहाँ पे गेहूँ की खेती वेती कर रखी है, और क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, वाह कितना नाइस गाँव है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं करकोटक नाग देवता मंदिर परिसर के अंदर, और देख सकते हो यहाँ का व्यू क्या मस्त, यहाँ पे लोगों ने यार क्या मस्त चीज़ें बना रखी है गाइस, देख सकते हो। और यहाँ से भीमताल का क्या एपिक व्यू दिखाई देता है वो आपको दिखाता हूँ, एंड आप तब तक यहाँ का व्यू इन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और ये देख सकते हो यहाँ मस्त मस्त यहाँ पे क्या मस्त बना रखा है यहाँ पे त्रिशूल त्रिशूल बाबा जी का। तो चलते थोड़ा सा और आगे और आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरा लेक का व्यू। कितना मस्त लग रहा है ना गाइस ये डॉग और ताई जी कितनी मस्त लग रही है हमारी। तो ताई जी आप कुछ बता रहे थे, अच्छा ऐसा हाँ आप कुछ बता रहे थे ना और नाग देवता मतलब कैसे यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई और कैसे यहाँ पर नाग देवता का इतना नाम है। ये कर्कोटक जो मंदिर है इसका जो पुजारी थे वो नाग देवता को दूध पिलाते थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज मैं कहीं निमंत्रण में जा रहा हूँ और तुम इसको दूध पिला देना नाग को। बहुत पहले उसके बच्चे ने जैसे ही नाग देवता वो तो पुजारी तो चले गए थे उनके बेटे ने जब नाग देवता नाग दूध पीने के लिए आया तो उसने क्या किया नाग को कुल्हाड़ी से काट दिया तो उसके खंड खंड कर दिए। तो नाग इतना बड़ा था कि मतलब यहाँ से कर्कोटक से नीचे ताल तक उसकी लंबाई थी। तो पूंछ उसकी यहाँ होती थी और पूंछ अगर मुंह उसका यहाँ होता था तो पूंछ उसकी ताल में होती थी। तो इतना मतलब लंबा सांप था तो उसने जब काटा तो उसको बहुत लंबा सांप था तो जहाँ जहाँ उसको काटा वो कुल्हाड़ी से वहाँ वहाँ पर लाल लाल मिट्टी है और जगह पर और कलर कलर की मिट्टी है। तो यहाँ हमारा देखने लायक है ये अगर कोई भी यहाँ पर अगर देखने के लिए यहाँ नाग देवता के मंदिर में अगर आता है तो उसे कहीं कहीं जगह पर लाल मिट्टी और कहीं कहीं जगह पर ऐसी भूरी टाइप की मिट्टी मिलेगी वो इसी वजह से है। तो ये स्टोरी है यहाँ की और ये स्टोरी है। उसके बाद तभी यहाँ पे उसका मंदिर बनाया गया एंड आफ्टर देन यहाँ पे सब मंदिर का ही निर्माण कराया गया। तभी जाके ये मंदिर तभी इतना ज्यादा प्रचलित है। मैं भी बहुत मानती हूँ इस मंदिर को बहुत ज्यादा मतलब और मंदिरों में उतनी आस्था नहीं है मेरी इस मंदिर में मेरी बहुत आस्था। आप लोग सब लोग आइएगा और यहाँ पे इस मंदिर का दर्शन कीजिएगा और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लगता है। और भीमताल का ताऊ जी ताई जी भैया सब लोग यहाँ पे नाग देवता जी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ का मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और ये देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सांप का पूरा आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं। और ये है हमारे नाग देवता मंदिर और जय हो प्रभु जय हो प्रभु। मेरे को गलती तो माफ़ कर देना यार। तो आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है ओ भाई तो इसको गांव का पटेला बोलते हैं। ये पटेला ना मिट्टी के ढेलों को पटेलने का काम आता है और ये मस्त यहाँ पर भाई इसको खींच रहा है देख सकते हो। मैं बहुत टाइम पहले अपने खेतों में बैठा करता था और ताऊ जी मस्त खींच रहे देखो ताऊ जी और खेचो अरे खेचो मेरे को इन्होंने बढ़वा नीचे यार इन्होंने खेचे नहीं लड़ रहा इन्होंने नहीं खेता पहाड़ी रोड पहाड़ी घूम वाड़े मंडो रोड नहीं खेता इसका बहुत ही भारी है गाइस रियली बहुत ही भारी है यार कैसे नहीं जा रहा। तो अभी हम यहाँ पे किसी लोकल जो यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं तो गाइस उनके घर पे आए हुए हैं मस्त यहाँ के अंदर एंट्री होते हैं सब लोग आओ एक एक करके आओ। तो अभी सब फाइनली ताऊ जी लोग सब पहुँच गए ताऊ जी अभी हमारे चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से तो यहाँ पे उन्होंने पैसे कलेक्ट और अभी खुशबू ने पता है अकेले अकेले आइसक्रीम ली इसने और इसने हमारे लिए नहीं ली तो यहाँ पे अकेले अकेले खा रही है ताऊ जी से 12 रुपए चिल्लर लिए। उसके बाद यहाँ पे शॉप है गाइस यहाँ पे शॉप है जस्ट मंदिर के जस्ट बगल पे शॉप है यहाँ पे तो यहाँ से भाई आइसक्रीम लेके आ रहा है हमारे लिए क्योंकि गाइस इस तपती धूप में ना आइसक्रीम खाने के मज़े ही कुछ और हैं। और अभी हमारी आइसक्रीम आ चुकी है देख सकते हो ये है हमारी आइसक्रीम नन्नी मुन्नी सी 6 रुपए की आइसक्रीम है काफ़ी मस्त है और इसको हमें खा के अभी हम लोग जा रहे हैं घर को। एंड गाइस यहाँ पर आके ना बहुत ही अच्छा लगा यार कसम से बहुत बढ़िया लगा और नहीं नहीं बस बहुत है थैंक यू। और मेरे पता नहीं इसका कैब कहाँ चले गया भाई इसका कैब कहाँ गया कैब कहाँ है इसका और इसमें हमने चॉकलेट डाल के लाया और मेरे लिए तो देख खाली आया है वही तो है वो कसम से यार। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं वापस घर को तो खाने के बाद तो फील कुछ अलग ही आ रहे हैं। एंड गाइस आप लोग को ये मंदिर का व्यू कैसा लगा और कैसा लगा आपको यहाँ से भीमताल का व्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड अभी हम लोग यहाँ पे
से घर को वापस जा रहे हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे मस्त ट्रैक किया, खाना पीना खाया और यहाँ के लोकल लोगों से भी मिले और वहाँ पे भी घूमा। और मंदिर में मैं पहली बार आया था तो मंदिर का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से घर को और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मस्त बकरियाँ ही बकरियाँ दिखाई घर को। और रास्ता देख सकते हो क्या मस्त पहाड़ों से और इन सुंदर वादियों से घिरा पड़ा है। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच गए घर पे और काफ़ी अच्छा लगा यार करकोटक मंदिर पे। एंड आपको कैसा लगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। गाइस ये था आज का वीडियो, आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।